कोटपुतली में गुज्जरों ने हाईवे जाम करने की कोशिश। कोटपुतली में आज गुज्जर आंदोलन को लेकर देव नारायण मंदिर में गुज्जर समाज की बैठक हुई। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद गुज्जर समाज के लोग पूर्व संसदीय सचिव राम स्वरूप कसाना के नेतृत्व में दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 पर आ गए और उन्होंने कुछ देर में हाईवे जाम किया। मौके पर मौजूद एएसपी राम कुमार कसवा, डीवाईएसपी दिनेश यादव और थाना प्रभारी महावीर सिंह ने समाज के लोगों से समझाइश करके जाम खुलवाया। वहीं गुज्जर समाज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गुज्जर समाज की मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो उग्र आंदोलन होगा और कल हाईवे जाम किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने कमर कसते हुए कहा कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, किसी भी सूरत में जाम नहीं होने दिया जाएगा। आज जो गुज्जर आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के अंदर भैंसला जी का समर्थन करने के लिए बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया और अब प्रत्येक दिन इसी रूप में जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक मीटिंग जारी रहेगी और उनसे अगर दिशा निर्देश मिले तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन होंगे। नहीं, हाईवे जाम के प्रयास भी होंगे, हाईवे जाम भी होंगे, सब कुछ होगा। अभी आज मीटिंग में देख तो क्या होते हैं, बाकी अगर सरकार ने नकारात्मक रुख रखा तो इससे गंभीर परिणाम होंगे। आज सरकार से वार्ता है, अगर सरकार ने पॉजिटिव नहीं लिया और इनको हल्के में लिया गया तो सरकार जो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आंदोलन को लेकर किस तरह क्या व्यवस्थाएं की गई है? आज जिस तरह से आपको ध्यान है 9 तारीख से चक्का जाम की इस तरह के अनाउंसमेंट था, इस पर देवनारायण मंदिर जो है उसमें गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, जिनको समझाइश करके आगे की इन्होंने समझाइश किया गया और एक बार इन्होंने रोड जाम करने की कोशिश की जिनको समझाइश करके वहां से हटाया गया। पुलिस का पूर्ण जाब्ता है, लगा हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और आगे भी इनका कोई जो प्रोग्राम रहेगा उसमें समझाइश से काम लेके और फिर भी अगर ये कोई बदमाशी होगी तो हम सख्ती से निपटेंगे और जो भी सरकार के आदेश हैं उसके मुताबिक अच्छे से समझाइश करके हम इसमें कार्य करेंगे। कल भी इनका तो जोर करने का है। हाँ, ऐसा ज्ञात हुआ है कि कल 11 बजे वापस इकट्ठा होने का है, तो कल भी हमारा जाप्ता, हमारी फोर्स एसटीएफ आरएसी और सभी एजीटीज अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं, वो रहेंगे और वापस वैसे ही जिस तरह से आज इसको समझाइश से निपटा है कल भी हम इसी तरह से कार्य करेंगे। राजस्थान की आवाज़ से मैं करण पारिक, अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।